हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे समर स्लैम के इंटरेस्टिंग बैकस्टेज फोटोज के बारे में। दोस्तों, इस साल का समर स्लैम काफी जबरदस्त था और इस पूरे समर स्लैम की जो मेन हाईलाइट थी वो थी रोमन एंड ब्रॉक की मैच। बट उस मैच के रिजल्ट से काफी लोग डिसअपॉइंटेड थे, बट नेवरदलेस समर स्लैम जो था वो काफी जबरदस्त था। और उससे भी जबरदस्त समर स्लैम के बैकस्टेज फोटोज है जो कि WWE ने पब्लिश किए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वही समर स्लैम के बैकस्टेज फोटोज जो कि काफी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक है, जो देखकर आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगी एंड इंटरेस्ट लेवल काफी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बाजू को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर देख सकते हैं, ये है VR रिप्ले एंड डेमियन प्रिस्ट, ये अपने मसल्स फ्लैक्स कर रहे हैं। और नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ट्रिपल एच लिव मॉर्गन से कुछ बातें कर रहे हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट पिक्चर में ड्रू मैकइंटायर काफी अच्छा पोज देकर खड़े हैं। और नेक्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एज एंड हैप्पी कॉर्बिन एक फनी डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, लोगन पॉल ने अपने रेसलिंग गियर के ऊपर एक जबरदस्त पिक खिंचाई है। उसके बाद दोस्तों, पॉल हेमन इंटेंस लुक में फोटो खिंचा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, बैकस्टेज पॉल हेमन एंड जो जिमी हार्ट है जो कि एक लेजेंडरी मैनेजर है, उनके बीच में बातें हो रही है। उसके बाद दोस्तों, हम देख सकते हैं मिज एंड एजे स्टाइल्स भी एक काफ़ी अच्छा कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। फिर दोस्तों, स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपने अंदाज में फोटो खिंचा रहे हैं। उसके बाद फिर हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका बेलेयर एंट्री ले रही है बैकस्टेज। और फिर हम देख सकते हैं कि बॉबी लैशली काफ़ी अच्छे पुशअप्स लगा रहे हैं। और फिर हम देख सकते हैं कि जो बेली की नई फैक्शन बनी है उनके पिक्चर। और उसके बाद बेकी लिंच अपने यूनिक कॉस्ट्यूम में है। और नेक्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि मिज एंड एज का जो कन्फ्रंटेशन हुआ है बैकस्टेज, उसके पिक्चर। उसके बाद दोस्तों, जजमेंट डे अपने रिंग गियर में है और उन्होंने काफ़ी इंटेंस लुक के साथ फ़ोटो खिंचाई है। उसके बाद दोस्तों, वन ऑफ द उसोस फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पर, और दूसरा उसो जो है वो पीछे ही है। और दोस्तों, इसके बाद हम देख सकते हैं कि लोगन पॉल काफ़ी ज़्यादा पम्प्ड अप है। नेक्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि लोगन पॉल बात कर रहे हैं पैट मैकैफे से। और उसके बाद दोस्तों, वन ऑफ द उसोस हैंडशेक कर रहे हैं अंडरटेकर के साथ बैकस्टेज। आपको पता ही होगा कि अंडरटेकर समर स्लैम में बैकस्टेज से। उसके बाद दोस्तों, हम देख सकते हैं कि हैप्पी कॉर्बिन एंड अंडरटेकर के बीच में बातें हो रही है। शायद अंडरटेकर उन्हें टिप्स दे रहे होंगे कि कैसे बोरिंग ना रहे। उसके बाद दोस्तों, हम देख सकते हैं कि रे मिस्टीरियो अपने मैच के लिए वार्म अप कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, पिक में जिमी एंड जे उसोस अपने टाइटल्स जो है वो दिखा रहे हैं एक ज़बरदस्त पोज में। फिर दोस्तों, हमारी रोंडा राउजी रेडी हो रही है उनके मैच के लिए। और दोस्तों, ये जो नेक्स्ट पिक्चर है वो काफ़ी लेजेंडरी पिक्चर है एंड आई एम श्योर ये पिक्चर देख के आपके चेहरे पर स्माइल आ ही गई होगी। ये पिक्चर है हमारे दो लेजेंड्स अंडरटेकर एंड करंट लिविंग लेजेंड रोमन रेंस की। इनके बीच में भी काफ़ी अच्छे कॉन्वर्सेशन हो रहे होंगे। और दोस्तों, इससे भी अच्छी है नेक्स्ट वाली पिक्चर, और वो है ब्रॉक लेसनर एंड अंडरटेकर की। ये दोनों तो पुराने दोस्त हैं सिंस 2002, और इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती है काफ़ी टाइम से। और जब भी मिलते हैं ये, उनके बीच में ऐसा ही फनी एंड हैप्पी कॉन्वर्सेशन हमें देखने मिलता है। उसके बाद दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त पिक्चर है एज एंड ब्रॉक लेसनर की। जब से ब्रॉक लेसनर ने WWE में रिटर्न किया है, उनका और एज का ज़रा भी कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ है जब भी एज ने अपने रिटर्न किया। तो ये मैंने भी फर्स्ट टाइम पिक्चर देखी है कि ब्रॉक लेसनर कन्फ्रंट कर रहे हैं एज को। तो मैं इनके बीच में एक मैच ज़रूर देखना चाहूँगा फ्यूचर में। क्या आप देखना चाहते हैं इन दोनों के बीच में मैच? आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों, नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ब्लड लाइन टीम शायद डिस्कस कर रहे हैं उनके मैच की स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट पिक्चर में दोस्तों, रोमन रेंस रेडी है उनके एपिक मैच के लिए विद ब्रॉक लेसनर। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मैच के लिए। और ब्रॉक लेसनर जिस थिंग से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे कहते हैं रेजिस्टेंस बैंड। और फाइनली दोस्तों, ब्रॉक लेसनर पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं उनके मैच में जाने के लिए। नेक्स्ट पिक्चर है रोमन रेंस की, कि वो बस अब कर्टन से निकलने ही वाले हैं और जाने वाले हैं अरेना में फॉर इस एपिक मैच विद ब्रॉक लेसनर।
और दोस्तों फिर उसके बाद है रोमन रेंस की जबरदस्त पिक्चर, ये है मैच जीतने के बाद की। तो दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर से हमारे WWE स्टार्स के, इससे भी ज्यादा काफी ज्यादा पिक्चर्स WWE वालों ने डाले हैं, बट मुझे ये काफी अच्छे लगे इसलिए मैंने इन सारे पिक्चर्स को ऐड किया है यहाँ पर। आई होप कि आपको भी मैंने जो पिक्चर सिलेक्ट किए हैं वो काफी ज्यादा पसंद आए होंगे। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारे वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट आपको कैसे लगे ये सारे पिक्चर्स, सेकंड क्या आप एक मैच देखना चाहेंगे बिटवीन ब्रॉक लेसनर एंड एज, एंड थर्ड आपको पिक किसकी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, रोमन रेंस एंड अंडरटेकर की, या फिर अंडरटेकर एंड ब्रॉक लेसनर की, या फिर ब्रॉक एंड एज, या फिर कोई और। सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।